लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी लोकसभा चुनाव, देश में नई सरकार के चुनाव के लिए जो पर्व है, जनता से लेकर राजनेता तक सभी उत्सुकता के साथ मनाते हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन से लेकर राजनीतिक पार्टियां सभी ऐसा कहने का प्रयास करती हैं कि इलेक्शन निष्पक्ष होगा, इसमें आम जन की भागीदारी ज़्यादा नजर आएगी, जो दोषी चेहरे हैं उनको राजनीति से बाहर रखा जाएगा और पैसे यानी अरबपतियों की राजनीति में जरूरत नहीं है, आम जन का नेता आएगा, आम जन की बात सुनेगा। इलेक्शन कमीशन से लेके राजनीतिक पार्टियां तक ये दावे करती रही, लेकिन इस दावों में कितनी सच्चाई है, जब ADR अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। जी हाँ, पहले चरण के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 तारीख को लोकसभा में पहले चरण के चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए तकरीबन 1685 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया और इन्हीं सबको उनके नामांकन को लोग के जो हलफनामा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया, उस हलफनामे का जब खाका तैयार किया ADR ने और रिपोर्ट सबमिट की, तो रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे सभी प्रत्याशियों में तकरीबन 16% प्रत्याशी ऐसे हैं जो दागी चेहरे हैं। दागी चेहरे के साथ साथ 28% ऐसे प्रत्याशी हैं जो करोड़पति हैं या बिजनेसमैन हैं। अब ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। इस आंकड़े को जरा मैं और आसान तरीके से खोल दूं तो पार्टी वाइज आपको समझा देता हूं कि कौन सी पार्टी ने कितने आपराधिक और कितने करोड़पतियों को टिकट दिया है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है राष्ट्रीय जनता दल, राजद का, यानी बिहार की वो पार्टी जो बिहार में विकास की बात करती है एक युवा नेता तेजस्वी यादव के साथ। उस पार्टी ने 4 लोकसभा कैंडिडेट दिए हैं पहले चरण के लिए और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 100% दागी चेहरों को RJD के तरफ से टिकट दिया गया है, यानी 4 प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसमें से 50% यानी 2 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जिनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े दावे और विकास के दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस दागी चेहरों की जो लिस्ट है उससे अछूती रह गई। BJP ने भी तकरीबन 36% जो उनके टोटल कैंडिडेट हैं, 36% कैंडिडेट्स को ऐसे टिकट दिए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं या दागी चेहरे हैं। इस सूची में कांग्रेस सबसे नीचे है क्योंकि कांग्रेस ने महज 34% लोगों को ही टिकट दिया है। अब जरा एक बार आंकड़ा समझा देते हैं आपको। आंकड़ा कहता है कि 252 प्रत्याशी ऐसे हैं जो दागी हैं और इन 252 प्रत्याशियों में से 161 के खिलाफ गंभीर आरोप के मामले दर्ज, यानी ऐसे मामले जो गंभीरता जिनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ में ही ADR की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि 1618 उम्मीदवारों के जो हलफनामे हैं उसकी रिसर्च के बाद ये दावा किया जा रहा था 450 करोड़पतियों को पार्टियों ने टिकट दिया है या उम्मीदवारी साबित की है। ऐसे में जब बात होती है कि देश में आम चुनाव है, आम जन का चुनाव है या आम लोगों का चुनाव है, जनता की भागीदारी चुनाव में ज़्यादा होगी, तो जब ये आंकड़े आते हैं, ऐसे आंकड़े आते हैं, तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि एक दूसरे से लड़ मरने वाली, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करने वाली ये पार्टियां जब करोड़पति यानी पूंजीवाद की बात होती है या फिर आपराधिक मामले दर्ज लोगों को टिकट देने की बात होती है, ऐसे मामले पे खामोश क्यों नजर आती हैं और तो सभी पार्टियां, देश की सारे राजनीतिक दल एक ही तराजू पे खड़े नजर आते हैं और सभी लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, टिकट जीतने के हिसाब से आपराधिक या करोड़पति लोगों को टिकट देने से भी बाज नहीं आते। बहरहाल, इस पूरे आकलन पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई डेटा है तो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा।